नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का महावीर मंदिर आए दिन काफी सुर्खियों में बना रहता है। हालांकि अब तक इस मंदिर के सुर्खियों में रहने के कारण कई रहे हैं, लेकिन इस बार मंदिर को लेकर चर्चा और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हनुमानगढ़ी अयोध्या ने पटना के महावीर मंदिर पर अपना दावा ठोककर नया विवाद शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, महावीर मंदिर के मालिकाना हक को लेकर हनुमानगढ़ी की तरफ से एक महीने तक जगह जगह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसको ही आधार बनाकर बिहार धार्मिक न्यास पार्षद को पत्र भेजकर मंदिर पर अपना स्वामित्व का दावा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बिहार धार्मिक न्यास परिषद फिलहाल शांत है और अब तक किसी ने भी कोई खास टिप्पणी नहीं की है। लेकिन महावीर मंदिर न्यास समिति ने हनुमानगढ़ी के इस दावे को बेबुनियाद और निराधार करार कर दिया है। इसको लेकर महावीर मंदिर न्यास समिति की तरफ से आचार्य कुणाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर में राम रसोई की ख्याति हाल के दिनों में देश भर में फैली है, जो महावीर मंदिर की तरफ से संचालित करवाई जा रही है। राम मंदिर के निर्माण में न्यास समिति की ओर से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की सहयोग राशि का संकल्प है और यह राशि दी जा चुकी है। इन सब के साथ साथ केसरिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही पटना में 5 विशाल अस्पतालों के निर्माण एवं सुव्यवस्था के कारण लोकप्रियता को लेकर हनुमानगढ़ी के कुछ लोगों की आंखों को चुभने लगा है। लोकप्रियता के खुन्नस में ही यह विवाद शुरू हो गया है। हनुमानगढ़ी के इन दावों में कोई दम नहीं है। इस मंदिर के स्वामित्व को लेकर पहले ही पटना उच्च न्यायालय ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। वहीं हनुमानगढ़ी के दावे के विरोध में और न्यास समिति के स्वामित्व के पक्ष से जुड़े कानूनी और विधिक दस्तावेज बिहार धार्मिक न्यास परिषद को पहले ही भेजे जा चुके हैं। आचार्य कुणाल किशोर की माने तो रामानंद संप्रदाय के 500 साल के इतिहास में पहली बार रामावत संगत का सम्मेलन 11 अक्टूबर 2014 को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में हुआ था, जिसमें रामानंदाचार्य के सभी द्वादश शिष्यों के आश्रम से धर्माचार्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए और यह घोषणा हुई कि रामानंदाचार्य जी द्वारा स्थापित संस्थान का नाम रामावत संगत था, जिसमें अनंताचार्य जी, कबीर पंथ, रविदास पंथ, सेन नाई, धन्ना जाट आदि सभी पंथों के धर्माचार्य उपस्थित थे। महावीर मंदिर उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि यह हनुमानगढ़ी से स्वतंत्र एक अलग धार्मिक संस्थान है, जो बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम के तहत बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अधीन कार्यरत है। हालांकि इस मुद्दे की भनक आचार्य कुणाल को जून महीने में ही लग गई थी। यही कारण है कि मंदिर के स्वामित्व के मुद्दे को लेकर उनकी तरफ से बिहार धार्मिक न्याय परिषद की तरफ से सभी दस्तावेज 29 जून को ही मुहैया करवा दिए गए थे। इसके साथ ही आचार्य किशोर कुणाल ने 15 अप्रैल 1948 को पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ की तरफ से जारी किए गए निर्णय और तथ्य का हवाला भी दिया है, जिसमें महावीर मंदिर को सार्वजनिक मंदिर घोषित किए जाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।